जी, मेरा नाम नंद किशोर नागी है। मैं दिल्ली उत्तम नगर का रहने वाला हूं। आज से 4 महीने पहले मुझे कुछ डॉक्टरों ने डाउट देकर के टेस्ट करवाए गंगाराम हॉस्पिटल से, जिसमें मुझे मालूम हुआ कि ब्लड कैंसर है। तो हम लोग कुछ परेशान से हुए, लेकिन एक्स सर्विसमैन होने के नाते मेरा पैनल का कार्ड है तो हम मैक्स में चले गए। डॉक्टर ने मुझे मैक्स के अंदर रेफर कर दिया। तो मैक्स वाले डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपके 27 कीमो होने हैं, उसके बाद कुछ इंजेक्शन द्वारा इसको दबा दिया जाएगा। तो कीमो के नाम से मैं डर गया। फिर मेरे एक मित्र हैं जो रायला में रहते हैं राजस्थान के अंदर, वो निरंकारी हैं जी। उन्होंने मुझे बताया कि महाराज भीलवाड़ा में आप आइए, यहाँ एक इलाज होता है जी। मेरे बेटे ने इंतजाम किया, हम गाड़ी द्वारा भीलवाड़ा आए तो रास्ते में पता लगा कि भीलवाड़ा से 30 किलोमीटर पहले ही जगह है वो जहाँ आपने जाना है, अब वहाँ मत जाइए। यहाँ रात को हम पहुंचे, शाम को क्लास में आए, बोले आप सुबह क्लास अटेंड कीजिएगा। सुबह क्लास में आ गए, यहाँ से दवाई मिली, 1 महीने की दवाई फ्री मिली, 2 महीने की दवाई के मैंने पैसे दे दिए। वो मुझे नहीं पता बेटे ने क्या दिया है, कुछ परहेज बताए गए जिनको करना जरूरी था। तो जैसे मैंने यहाँ पढ़ा कि दवाई का असर 33%, परहेज का असर 33% जी, तो उसी हिसाब से मैंने रेशो बना लिया। आज मुझे 92-93 दिन हो गए हैं मैंने अनाज नहीं खाया है, और दवाई को मैं निश्चित टाइम से ही ले रहा हूँ हर मुमकिन तरीके से। उसकी 10 दिन पहले मैं मैक्स में दोबारा गया उसी डॉक्टर के पास, बोले आपका किट स्कैन होना है, 28,000 रुपए का टेस्ट है, कराइए इसको जी। करा लिया, वो कराने के बाद बोले आप कल इसकी रिपोर्ट ले जाना जी। मैं अगले दिन रिपोर्ट देने गया जी। तो बोले जी आपको तो कुछ है ही नहीं, आपने कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, ना आपको हमने कोई टेबलेट देनी है, ना आपको जो कीमो करना है, आपके अंदर कैंसर की कोई नाम की कोई चीज है ही नहीं। कौन सा कैंसर था बाबूजी आपको? ब्लड कैंसर था जी। और मैं नवग्रह आश्रम का हंसराज जी चौधरी जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं इनका शुक्रिया ना करने के लिए दोबारा आज दोबारा फिर भीलवाड़ा में आया हूँ धन्यवाद देने के लिए, जिससे मुझे नई जिंदगी दी है। आप बता पाएंगे जो कैंसर रोगी यहाँ से इलाज ले रहे हैं उनको कि क्या क्या परहेज ऐसे आपने किए जिनकी वजह से आपको इतना जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिला? कैंसर के अंदर सबसे बड़ा योगदान परहेज का है जी। परहेज के अलावा नंबर जो दूसरा योगदान है दवाई को टाइम पर लेने का है जी। तीसरा, जैसा कहा गया है कि कैंसर नाम की कोई चीज है ही नहीं दुनिया में, इसका निश्चिंत अपने मन में करना है कि मैं मुझे कुछ नहीं है जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन 3 चीजों को अगर हो जाए तो फिर तो कुछ दुनिया में रहा ही नहीं बाकी जो उसको रखे। तो यहाँ पर किस तरह से आया जा सकता है थोड़ा सा बता पाएंगे आप? दिल्ली से हाईवे आता है सीधा जयपुर वाला, उसे आप आइए आगे जयपुर है, जयपुर से 115 किलोमीटर अजमेर है, अजमेर से आगे थोड़ा रास्ता है, तकरीबन दिल्ली से 550 किलोमीटर पड़ जाता है। यहाँ पर कितना खर्चा लगा आपका नवग्रह आश्रम पर? मेरा कोई खर्चा नहीं लगा जी आने का, बस जो किराया भाड़ा मैं अपना लेके आता हूँ, अपनी गाड़ी लेके आता हूँ, वही लगता है मेरा। यहाँ कोई खर्चा नहीं है, यहाँ रहने का बाथरूम लैट्रिन पानी सब व्यवस्था फ्री होती है यहाँ पे, बड़े अच्छे सेवादार हैं यहाँ के। तो जो कैंसर रोगी यहाँ आना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश है आपकी तरफ से, आप कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि कीमो से बचें, कीमो जो है वो रोगी को मार देती है और दवाई रोगी को जिंदा कर देती है। आप यहाँ आइए, निस्वार्थ सेवा, निःशुल्क सेवा जो दवाई हो रही है, और फिर फौजी आदमियों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए जो मात्र यही कहते मैं गरीब हूँ, चाहे वो गरीब ना भी हो उसको दवाई यहाँ से फ्री मिल जाती है, इससे बड़ा योगदान क्या होगा। तो अभी जैसे आपने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई स्वामी जी को, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? वो यही कहा कि 120 दिन का कोर्स होता है जहर को मारने के लिए, आज आपको 94 डेज हो गए हैं, बाकी जो आपके 15-20 दिन बचे हैं उसको गुजारो। अभी और कितने समय के लिए आपको बोला गया और दवाई लेने के लिए? वैसे तो मुझे यही कहा था कि 4 महीने के लिए, लेकिन भी दोबारा फिर मिलूंगा स्वामी जी से क्या कहते हैं, लेकिन मैं इसको रक्षोदय को तो छोड़ूंगा ही नहीं जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।